राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 4044 नए मामले दर्ज किए गए हैं। बीते 24 घंटे में 8042 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौटे हैं। हालांकि इस दौरान 25 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली सरकार के एक हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि राज्य में फिलहाल 29,152 एक्टिव केस हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट 10% से नीचे आकर 8.60% हो गई है। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 47,042 सैंपल की जांच हुई है और केंद्र शासित प्रदेश में फिलहाल 23,153 केस होम आइसोलेट हैं। वहीं 1,928 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। विभाग के अनुसार 714 मरीज आईसीयू, 704 मरीज ऑक्सीजन और 151 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। वहीं 1,463 मरीज दिल्ली के हैं तो वहीं 342 मरीज दिल्ली से बाहर के हैं। विभाग के अनुसार कोविड अस्पतालों में 13,492 बेड्स, कोविड केयर सेंटर में 4,490 और कोविड हेल्थ सेंटर्स में 183 बेड्स खाली हैं। 24 घंटे में टीकों की 70,267 खुराक दी गई हैं। वहीं वैक्सीनेशन की बात करें तो बीते 24 घंटे में 70,267 खुराक दी गई हैं। इसमें से 26,889 को पहली खुराक और 30,059 को दूसरी खुराक दी गई है। वहीं 15 से 17 वर्ष के किशोरों की बात करें तो बीते 24 घंटे में 12,095 खुराक दी गई है, जिसके बाद इस आयु वर्ग में कुल खुराक की संख्या 786,306 हो गई है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।